ये हैं गुजरात के जगदीश पटेल और पिछले साल इनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो एक अच्छे फ्यूचर के लिए अमेरिका जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, जिस गांव में रहते हैं उस गांव में से आधे से ज़्यादा लोगों ने अपने घर छोड़ दिए एक अच्छे फ्यूचर के लिए। और इस गांव में जगदीश पटेल की तरह ही 1800 लोगों ने अपना गांव और अपने घर छोड़ दिए एक अच्छे फ्यूचर के लिए। जॉब नहीं मिलती थी, अच्छा तो प्रदेश में अच्छा रहेगा। अमेरिका नहीं जाएंगे तो मेरे बच्चे की लाइफ इधर है। लेकिन ज़्यादातर जो पटेल समुदाय के लोग हैं ज़्यादातर विदेश में रहते हैं, ज़्यादातर मकान बंद हैं। और ये तो सिर्फ एक गांव की बात है, अगर इंडिया की बात करें तो पिछले साल 24 लाख लोग इलीगल तरीके से यूएस में एंटर करते हैं और वो सभी यूएस पहुंच भी नहीं पाते। और उन्हीं में से थे एक जगदीश पटेल जो अपनी फैमिली के साथ कनाडा की फ्लाइट पकड़ते हैं एक अच्छे फ्यूचर के लिए। और सिर्फ एक हफ्ते बाद पुलिस को इस फैमिली की डेड बॉडीज मिलती हैं बॉर्डर से 12 मीटर दूर। और हर साल ऐसे हजारों लोग अपनी जान गवा बैठते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं इस डंकी प्रोसेस को। Hundreds of migrants are gathering in California waiting to be processed by the US Border Patrol and claim asylum. भाई सभी भाई राम राम भाई, भाई हम अमेरिका डोंकी खतर आए थे भाई, चार जने बचे भाई हम। अब आप कटन निकलने भारत में भाई 35-40 लाख रुपए देर के मारे माँ बाप ने, अब ना 2 महीने हो गए मारे माँ बाप का बात भी नहीं करते। तो इंडिया से यूएस जाने के लिए इलीगली आप एक एजेंट से कॉन्टैक्ट करते हो और वो एजेंट आपसे प्रॉमिस करता है कि वो आपको यूएस पहुंचा देगा। नॉर्मली एक इंसान को लीगल तरीके से यूएस जाने में 15 से 16 घंटे लग जाते, वहीं डंकी प्रोसेस के थ्रू आपको 40 से 50 दिन लग जाते हैं। अर्शदीप सिंह जिसने एक एजेंट के थ्रू यूएस जाने का प्लान किया, सबसे पहले वो न्यू दिल्ली से हंगरी गए और एक छोटे से कमरे में बंद रहे पानी और ब्रेड के सहारे और फ्रेंड्स के थ्रू पहुंचते हैं मेक्सिको और एक वीक और वेट करने के बाद उसे फ्लाइट और बसेस और पैदल रास्ते से यूएस बॉर्डर की तरफ छोड़ दिया जाता है। और यूएस से मेक्सिको जाने का ये रास्ता सबसे डेंजरस रास्ता है, यहाँ पर असोल्ट मर्डर ये काफी कॉमन है और कई बार तो आपको प्रोटेक्शन के लिए गैंग्स को पैसे भी देने पड़ते हैं। और इसी के बीच आता है इससे भी खतरनाक रूट, डेरियन गैप रूट। ये वर्ल्ड का रिस्कियस्ट और डेडलीस्ट माइग्रेशन रूट माना जाता है और रीजन काफी बार यहाँ की गैंग्स आपको मार कर आपकी बॉडी ऑर्गन्स को निकाल लेते हैं और एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। इस एरिया के अंदर दिन में गैंग्स का डर रहता है तो वहीं पर रात को जंगली जानवरों का। इसी रूट के अंदर काफी सारी रिवर्स भी आती हैं जिसमें से है एक सेंट लॉरेंस रिवर और इस रिवर में भी काफी लोगों की जान चली जाती है। डेरियन गैप के अंदर नेविगेशन करना नेक्स्ट टू इम्पोसिबल हो जाता है। मिशन माइग्रेट प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 2 सालों में यहाँ से 124 डेथ बॉडीज कवर हुई है। पहले यहाँ से जाने वाले लोगों का नंबर बहुत कम था लेकिन अब ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है। 2 साल पहले यहाँ से जाने वाले लोगों का नंबर 1 लाख था तो आज यही नंबर 5 लाख तक पहुँच गया। और यूएस बॉर्डर पहुंचने के लिए आप मेक्सिको या कनाडा से जा सकते हैं। और अब ये सब कुछ सहन कर जो इंडियंस यूएस पहुंच जाते हैं वो सबसे पहले बॉर्डर क्रॉस करते ही अपना पासपोर्ट फाड़ देते हैं और खुद से ही पुलिस के हवाले अरेस्ट हो जाते हैं। और पासपोर्ट ना होने के कारण पुलिस को पता ही नहीं चलता कि ये कहां से आए हैं और इस कंडीशन के अंदर यूएस गवर्नमेंट को इनको रिफ्यूजीज की तरह रखना पड़ता है। और अरेस्ट करते ही सबसे पहले इनको रिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है, वहाँ ये लोग माइग्रेट असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। अगर असाइलम मिल गया तो ये लोग इन डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, जिसका मतलब अब ये लोग यूएस की फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। पर असाइलम मिलना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको यूएस गवर्नमेंट को एक रीजन देना पड़ता है कि आप यूएस क्यों आए। तो कुछ इस तरीके की रहती है जर्नी उन लोगों की जो डोंकी प्रोसेस के थ्रू दूसरे देशों में इलीगली तरीके से जाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, अगर वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होगी।